ओमिक्रॉन आ रहा है, दुकानदारी को लेकर परेशान भी होगे, लेकिन अब नहीं होना होगा परेशान, क्योंकि आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। अब आपके कारोबार से जुड़ी हर समस्या का समाधान माई बिग ब्लिस ऐप पर। ओमिक्रॉन के दौरान आपकी सेल को गिरने से सिर्फ बचाएगी ही नहीं बल्कि बढ़ाएगी भी, तो इंतजार किस बात का, तुरंत फोन उठाओ और डाउनलोड कर रजिस्टर करो अपनी दुकान, वो भी मुफ्त में। माई बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने देखा है कि जब से सेबी ने फैसला लिया था कि 7 कम्युनिटीज़ को बैन करने का, उसके बाद से हमने ओवरऑल पूरे ही वायदा बाज़ार में गिरावट आती देखी थी। सोयाबीन की कीमतों में भी ज़्यादा गिरावट रही थी, नीचे में कीमतें 5600-5700 तक भी जाती नज़र आई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सोयाबीन में अभी 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है, तो क्या आज क्लोजिंग होते होते सोयाबीन 6200 का भी लेवल दिखा सकती है? देखिए सोयाबीन में मुझे लगता है कि आज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ट्रेड इसमें, बट वैसे भी मार्केट ध्यान तेजी का ही है, जिसके चलते हमने देखा गवर्नमेंट के ये एक्शंस होते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि मार्केट में हो सकता है कि एक बार जो पैनिक सिचुएशन बनी है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो रेंज अगर सोयाबीन की बात करें तो 5800 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, 6400 के ऊपर नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा, जबकि इंटरनेशनल में भी हमने देखा क्रॉप कंसर्न के चलते इंटरनेशनल में भी हमने जबरदस्त तेजी देखी, 1320 का लेवल भी आज के सेशन में छूते हुए देखा जी। तो थोड़ा पुलबैक जरूर बनता है जो 6400 का लेवल दिखा दे, बट जिस ढंग से गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए हैं इसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं करेगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी मैं सोया कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें तो वो तेजी का ही बनता है, क्योंकि इस बार क्रॉप साइज ठीक है, मस्टर्ड की अच्छी है, बट मस्टर्ड की क्रॉप जो आएगी दैट विल बी इन द मंथ ऑफ मार्च, उससे पहले मार्केट टाइट रहने की उम्मीद है जो सपोर्ट कर सकता है प्राइजेस को जी। तो यानी कि अजय जी की तरफ से सोयाबीन में ओवरऑल रुझान लॉन्ग टर्म के लेके चला जाए तो उसमें पॉजिटिव ही है, आगे जो मस्टर की जो क्रॉप आएगी वो मार्च के एंड तक या मार्च के मिड तक ही आने की उम्मीद है अगले साल में, क्योंकि इस बार सरसों की जो बुआई है वो भी 1 महीने की देरी से हुई थी और देश में जितना भी सरसों का स्टॉक था वो लगभग खप चुका है, कंज्यूम हो चुका है। तो अब ये जो जितने महीने अभी रहने वाले हैं सरसों की आवक के आने में, उस दौरान खाद्य तेलों की जो सप्लाईज हैं वो थोड़ी टाइट रह सकती हैं, जिसकी असर सोयाबीन की कीमतों में तेजी के तौर पर भी देखने को मिल सकता है।